हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 क्रेन ड्राइवर का जॉब प्रोफाइल रेलवे में कैसा होता है, इसके रिगार्डिंग डिटेल जो है आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। काफ़ी लोग क्वेरी कर रहे थे। तो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 क्रेन ड्राइवर में जो है ये 1900 ग्रेड पे का जॉब है, और इसमें जो है वर्क इस प्रकार से रहता है। जो भी आप देखते होंगे रेलवे का जो डिवीज़न वगैरह होता है या जोन होता है, वहाँ पे जो है एक्चुअली क्रेन ड्राइवर का पोस्ट होता है टेक्नीशियन का। और वहाँ पे जो रेलवे का जो बड़ा बड़ा जो क्रेन वगैरह जो होता है उसको आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो ऑपरेट जो करना पड़ेगा तो उससे पहले आपको प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है। और बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि हमारे पास एक्चुअली जो है एक ये नहीं है एक्चुअली लाइसेंस वगैरह, तो क्या दिक्कत होगा। तो लाइसेंस वगैरह नहीं भी है तो आप एक्चुअली जब ट्रेनिंग वगैरह करेंगे तो उस दौरान आपका बन जाएगा। और उसके बाद जब आपके पास फुली ट्रेनिंग ले लेंगे उसके बाद आपको ऑपरेट करने के लिए दिया जाएगा। तो इसमें जो देखते होंगे कभी कभार जैसे कोई गाड़ी वगैरह ड्रिलमेंट हो जाती है, गिर जाती है ट्रेन वगैरह, चाहे इंजन हो या कोचेज हो वैगन हो, तो उस केस में जो है एक्चुअली हर एक डिवीज़न में जो है वहाँ पे क्रेन वगैरह उपलब्ध रहता है। तो वो क्रेन फिर जाती है और उस कंसर्न कोचेज या वैगन को जो है एक्चुअली हटाती है, ट्रैक से क्लियर करती है, तो वो सब काज रहता है। तो ऐसा नहीं कि हमेशा आपको क्रेन ड्राइवर अगर रहेंगे तो हमेशा वर्क ही रहता है, इसमें काफ़ी वर्क कम रहता है। कभी कभार कुछ मेजर इशू वगैरह होने के बाद ही आपका वर्क रहता है, अदरवाइज़ आप डिवीज़न में जहाँ पे है वहाँ पे आपको उपलब्ध रहना रहता है। ऐसा नहीं कि आपको लीव मिलेगा, इमरजेंसी कभी भी होता है, इसीलिए हमेशा उपलब्ध रहना रहता है जब भी आप ड्यूटी में हैं। और उसके बाद वर्क जो है काफ़ी कम रहता है। जब बोले आपको ड्रिलमेंट वगैरह कभी होता है तभी ऐसा कुछ जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा जॉब है। अगर उसके बाद इसमें प्रमोशन वगैरह का स्कोप यही है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 से टेक्नीशियन ग्रेड 2 बनेंगे 1900 ग्रेड पे से 2400 ग्रेड पे में, फिर टेक्नीशियन ग्रेड 2 से टेक्नीशियन ग्रेड 1 में जाएंगे 2800 ग्रेड पे में। तो ये सीनियरिटी बेसिस पर इसका प्रमोशन होता है। सैलरी वगैरह भी आपको शुरुआती दौर में जैसे 40,000 पे मिलेगा, बाद में सैलरी आपका बढ़ेगा जैसे जैसे सर्विस लेंथ बढ़ेगा। तो ओवरऑल जॉब काफ़ी बढ़िया है, लाइफ स्टाइल वगैरह काफ़ी बढ़िया रहता है, क्योंकि अच्छे सिटी वगैरह में डिवीज़न स्थित रहता है, इसलिए अगर आपको मौका मिलता है सिलेक्शन होता है जरूर आप ज्वाइन करें। अगर आपको चैनल अच्छा लगे जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।